सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आप जिस तरह से जानते हैं रियासी में एक कांस्टेबल की जिस तरह से जान गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, रियासी पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए एक घंटे के भीतर उस आरोपी को दर दबोचा जिसने उस कांस्टेबल की हत्या की थी। बताना चाहेंगे रियासी पुलिस की तीव्र कार्रवाई, पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोपी घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार। बताना चाहेंगे 10 जुलाई 2024 को दोपहर लगभग 2:30 बजे यानी 2:40 बजे पुलिस स्टेशन रियासी में कांस्टेबल जहूर अहमद के शव के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई है। बताना चाहेंगे आपको मोहम्मद कासिम का पुत्र जो कि ग्रेन मोड रियासी के पास पड़ा मिला। सूचना मिलने पर जिला पुलिस रियासी तुरंत कार्रवाई में जुट गई और मृतक को आगे की जांच और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रियासी में स्थानांतरित किया। इस संबंध में एक केस FIR PS रियासी में धारा 103 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत 115/2024 दर्ज किया गया। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए SSP रियासी मोहिता शर्मा साथ ही IPS के तुरंत इसमें शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए DSP मुख्यालय रियासी और SHO रियासी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन किया। व्यापक और समर्पित प्रयासों के बाद जिला पुलिस रियासी ने एक घंटे के अंदर आरोपी शकूर अहमद उर्फ शोकी पुत्र अब्दुल हामिद निवासी कटल ग्रांड मोड़ रियासी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपराध को अंजाम देने के बाद जिले से भागने की कोशिश की है। मामले में आगे की जांच जारी है। जिला पुलिस रियासी न्याय सुनिश्चित करने और समुदाय की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी पुलिस अगर चाहे तो कुछ ही घंटों के अंदर उन आरोपियों को पकड़ दबोच सकती है जो अपराध करने के बाद अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी के तरह पहले जो खबर आई थी कि इस कांस्टेबल की यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है, तो लोगों को शक लगा होगा कि एक्सीडेंट होगा, पर इसके पीछे का स्विफ्ट एक्शन करते हुए जो SSP मोहिता शर्मा जो रियासी हैं उनकी पूरी टीम ने जब इसके तथ्यों को खंगाला तो अल्टीमेटली उस सच को बाहर निकाल दिया जिस सच को दबाने का आरोपी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। आखिर क्यों की इस कांस्टेबल की हत्या, ये हम भी नहीं जानते। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, जिनका नाम जहूर अहमद है और ये कांस्टेबल है और इन्हें किस तरह से उनकी जान यानी गई, क्यों आखिर हत्या की गई उस व्यक्ति ने जिसे फिलहाल पुलिस ने दर दबोचा, आखिर क्या कारण होगा, किस मानसिकता या कोई पुरानी रंजिश होगी या कहीं उसका किसी और के साथ कनेक्शन होगा। जिस तरह से आजकल गतिविधियां चल रही हैं, हमारी पुलिस को हमारी सेना को निशाना बनाया जा रहा है दुश्मन ताकतों के द्वारा, हो सकता है ये भी एक उसी की खड़ी हो। पर आखिर जहूर अहमद को मारने का क्या, कांस्टेबल जहूर अहमद को मारने का क्या यानी के पीछे क्या क्या मोटिव था, ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा। पुलिस अब जान छानबीन कर रही है उस आरोपी से जिस आरोपी ने जहूर अहमद की जान ली है। आखिर क्या मंशा थी, किसके कहने पर हुआ, क्या कोई पुरानी रंजिश, ये सारी चीजें जांच का विषय मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे पुलिस के स्विफ्ट एक्शन ने एक घंटे के भीतर उस आरोपी को दर्द पहुंचा है। हम पुलिस के अधिकारियों से निवेदन भी करेंगे, ये आपके विभाग का एक अधिकारी कर्मचारी था, कर्मी था, आपने एक घंटे के अंदर उस आरोपी को दबोच लिया। आम जनता के लिए भी इसी तरह से आप तीव्रता दिखाइए, स्विफ्ट एक्शन दिखाइए, ताकि जनता का विश्वास आप पर दुगना हो। क्यों आम जनता की चप्पलें घिस जाती है, क्यों आम जनता के फैसलों में, आम जनता के केसेस में एक घंटे के अंदर इतने कम समय में क्यों नहीं उनका केस सॉल्व होता। सदियां लग जाती हैं, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, चलान ही पेश नहीं होते। पर वहीं पर जब अपने विभाग के, हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऊपर वाला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, पर ये बड़ा नुकसान है एक पुलिस विभाग का। पर वहीं पर हम कहेंगे अगर इसी तरह से एक घंटे के भीतर अपने ही विभाग के एक कांस्टेबल के हत्यारे को पकड़ दर्द पहुंचा, वहीं पर आम जनता भी यही उम्मीद करती है कि अगर आप अपने विभाग के लिए इतना सतर्कता से काम कर सकते हैं, स्विफ्ट काम कर सकते हैं, उसी तरह आम जनता के लिए भी करें तो आपकी वाही वाही होगी, आम जनता का विश्वास आप पर दुगना होगा। क्या वाकई ऐसा होता है कि आम जनता के लिए भी इसी तरह से यानी कि तीव्रता दिखाई जाती है? हम उम्मीद करते हैं कि आप आम जनता के लिए भी इसी तरह से हमदर्दी दिखाएं, इसी तरह से स्विफ्ट एक्शन करें, ताकि जनता आप पर आंख बंद कर विश्वास करे। फिलहाल ये दुखद समाचार उस परिवार के लिए, जिस परिवार का वो कांस्टेबल जो कि सदस्य थे, उस परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये जरूर कहेंगे ऊपर वाला उस परिवार को गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और हमारे पुलिस विभाग में जिस तरह से अपने विभाग के लिए, अपने विभाग के लोगों के लिए स्विफ्ट एक्शन करते हैं और तीव्रता दिखाते हैं, आम जनता के लिए भी इसी तरह से दिखाए। क्या कहना है, जरूर
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।